प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज उस्तिकाय का सांबर बनाएंगे। उस्तिकाय ऐसा होता है, ये साउथ में मिलता है, इसको काड़ बदने का ही उस्तिकाय कहते हैं कन्नड़ा में। इसके लिए जो सामग्री चाहिए, उस्तिकाय एक कप धो के लिया है, नारियल आधा कप पीस के उसका पेस्ट लिया है, टमाटो 4-5 टमाटो काट के लिया है, आधा स्पून हल्दी, हिंग, कड़ी पत्ता, राई, इमली निचोड़ के उसका पल्प लिया है, चौं के लिए ऑयल, सांबर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अभी इसको चौंक लगाएंगे। कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गरम होने के बाद सरसों, राई, एक आधा स्पून मेथी डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता, हिंग, इस उस्तिकाय को आधा आधा काट के लिया है वो इसमें डाल रही हूँ। ये 5 मिनट के लिए ऐसा फ्राई करेंगे। अभी इसमें टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक। थाली बंद करके इसको पकाएंगे। बीच बीच में इसको घुमा लेंगे। टमाटर अच्छी तरह से गल जावे। अभी इसमें हल्दी डाल रही हूँ, सांबर पाउडर। सांबर पाउडर की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लाल मिर्ची पाउडर, नमक, इसको अच्छी तरह से घुमा लेंगे। इमली का पल्प निकाल के रखा था ना, वो भी इसी में डाल रही हूँ, इसको भी घुमा लेंगे। थाली ढक के इसको थोड़ा टाइम पकाएंगे। देखिए नारियल पीस के रखा था ना, वो भी इसी में डाल रही हूँ। ये चावल के लिए, मुद्दा के लिए, चपाती के लिए, डोसा के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी थाली बंद करके 5 मिनट इसको पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा ये पक गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। इसको गार्निश के लिए कोतमरी डाल रही हूँ। उस्तिकाय सांबर, काड़ बदने का सांबर रेडी।